नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैक्स चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज 12 तारीख 2020 है और आज कुवैत की कुछ अहम तरीन ख़बर है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। आज का जो अपडेट है, कुवैत का जुमे से ताहुकुम सानी तमाम परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आप सब दोस्तों को पता है कि चाइना से एक मौजी वायरस फैला है, इसको रोकने के लिए आइंदा जुमे से कुवैत शहर के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से तमाम तिजारती परवाज़ें ताहुकुम सानी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। कुवैत की सरकारी खबरसा एजेंसी कोना ने एक ट्वीट में कहा है कि परवाज़ें सिर्फ कुवैतियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की मुल्क में आमद के लिए महदूद होंगी। अलबत्त मालदार बरादरान त्यारे इस फैसले से मुश्तना होंगे। कुवैत ने रेस्तरानों, कैफ़े और ख़रीदारी मराकज़ समेत अवामी जगहों पर लोगों के एतमाद पर भी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। कुवैती वज़ीर दाखिला ओम अलसला ने एक बयान में कहा है कि जुम्मा की निसफ शाम से तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी जाएंगी। परवाज़ों को चलाने और इनखला के मंसूबे के तफसील बाद में जारी किए जाएंगे, और उन्होंने वाज़े किया है कि नए वायरस की रोकथाम के ज़मन में किए गए तमाम फ़ैसले आर्जी हैं और हालात वाक़ात की मुताबिकत से इनमें रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली की जाएगी। कुवैती वज़ीरा का कहना था कि बदकिस्मी से बाज़ लोग तिब्बी तन्हाई के लिए जाने वाले इकदाम की पासदारी नहीं कर रहे और ऐसे लोग कानूनी तौर पर काबिल मुआखज़ा होंगे। तो दोस्तों ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर किया हूँ। कुवैत में जुमा के दिन तमाम परवाज़ें मुअत्तल करने की खबर जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएँ।